हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्न और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर जोलॉजी रिगार्डिंग गेट लाइफ एग्जामिनेशन तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करी थी तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप पहले जाके उस वीडियोज को देख लीजिए क्योंकि मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया था कि हमने यहाँ पे सेक्शन वाइज शॉर्टिंग करी है और एनिमल फिजियोलॉजी को हम इस सीरीज के बाद में टारगेट करेंगे तो प्लीज आप एक बार जाके उस वीडियोज को देख लीजिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस में यदि आप जोलॉजी के सिलेबस में देखें तो इसमें टोटल अलेवन सेक्शंस होते हैं वो सेक्शन क्या क्या है जैसे फर्स्ट सेक्शन है आपका एनिमल डाइवर्सिटी सेकेंड इज एवोल्यूशन थर्ड इज जेनेटिक फोर्थ इज बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एनिमल बिहेवियर सेल बायोलॉजी जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी तो इस तरीके से आपके टोटल अलेवन सेक्शंस हैं लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू प्रिपेयर हमें सारे इलेवन सेक्शन नहीं हम प्रिपेयर करेंगे पहले हम फोकस करेंगे उन सेक्शन पे जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं तो वो क्या है स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें इन सब सेक्शन को टारगेट करना है तो फर्स्ट मैंने मेंशन करा है मोस्ट फ्रिक्वेंट सेक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर शॉर्टिंग मैंने टॉपिक वाइज नहीं करी है शॉर्टिंग हमने सेक्शन वाइज करी है क्यों क्योंकि जो आपका सिलेबस है बहुत लिमिटेड है और अगर हम टॉपिक बाइज शॉर्टिंग करते तो उसका डिसएडवांटेज हो सकता था कि कुछ टॉपिक्स आप यदि टारगेट करें कुछ टॉपिक्स ना टारगेट करें और तो जो टॉपिक्स हमने नहीं टारगेट करे हैं बाय मिस्टेक या बाय चांस उन्हीं से क्वेश्चंस आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी है ना इसीलिए यहाँ पे शॉर्टिंग करी है सेक्शन वाइज लेकिन ये सेक्शंस की प्रिपरेशन भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं तो आपके सेवन सेक्शंस हैं जिनसे अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक फिफ्टीन इयर्स में तो पहला आपका है जेनेटिक्स जिससे 49 नाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी फोर्टी नाइन क्वेश्चन पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ट्वेंटी टू क्वेश्चन सेल बायोलॉजी ट्वेंटी वन क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी ट्वेंटी वन क्वेश्चन एनिमल एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी नाइनटीन क्वेश्चन इकोलॉजी सेवनटीन क्वेश्चन तो ये आप देख रहे हैं ये पूरा सिलेबस आपके सी एस आई आर के सिलेबस का ही है ना तो जैसे ही आप सी एस आई आर के प्रिपरेशन करेंगे तो गेट जोजो जो की भी आपकी ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहें तो गेट जो जुलॉजी आपका सब्जेक्ट है वो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है आपके सी एस आई आर के साथ साथ ही उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं फिर सेकंड आता है आपका मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक तो यहां पर मैंने टोटल फोर सेक्शन जो है वहां पर मैंशन करे हैं फोर सेक्शन फर्स्ट इज एनिमल डाइवर्सिटी जिससे ट्वेल्व क्वेश्चन आए हैं अभी तक तो देखा कि आपके जो सेवन सेक्शन है वो हमें जियोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे पहले टारगेट करने हैं फिर आपके आएंगे ये फोर्थ सेक्शन आप चाहें तो इन फोर्थ सेक्शन को भी टारगेट कर सकते हैं अदरवाइज इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं लेकिन आपको वो सेवन सेक्शन सबसे पहले टारगेट करने हैं ओके तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल में ये सारा सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है वो भी डिस्कस कराया था और मैंने आपको उसमें ये बताया था कि हमें साथ साथ में प्रिपरेशन करनी है सी की भी प्लस में गेट की भी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करें मतलब आप सी एस आई आर ओ गेट की एक साथ कैसे प्रिपरेशन करें तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स है ना ये मीडिएटर है आपकी और मेरी बातों के बीच में ये लाइव क्लास है नहीं जिसमें हम डायरेक्टली बात कर पाए तो आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आप कोई ऐसी वीडियोस भी चाहते हैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस जिसमें आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों एग्जामिनेशन को थ्री मंथ में कैसे टारगेट कर सकते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम वो बिल्कुल वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही आपकी स्टडी को कराया जाए ठीक है तो आपको क्या करना है अभी बॉटनी के आप सारे सेक्शन नोट डाउन कर लिए होंगे अब आप जोलॉजी के भी सारे सेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिएगा वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू फॉर लिस्टिंग